हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग छद्म विधायन के बारे में जानेंगे। छद्म विधायन क्या है, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो छद्म का मतलब पहले हम लोग जानते हैं क्या है। छद्म का मतलब क्या होता है कि वह रूप जो वास्तव में जो दिख रहा है वो नहीं है, ठीक है ना। जैसे बहुरूपिया बोलते हैं छद्म रूप बना के आ गया, तो उसे भी बोला जाता है छद्म। तो यहाँ पर छद्म विधायन से तात्पर्य क्या है देखते हैं, ठीक है ना। तो विधायिका का मान काम क्या है, जो विधायिका है वो नियम बनाती है। यदि संघ में बनाती है नियम, व्यवस्थापिका संसद संघ में नियम बनाती है केंद्र सरकार में, और राज्य में विधानमंडल। तो जो संघ में जो राज्य नियम बनाए जाते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं, और जो राज्य में जो नियम बनाए जाते हैं वो राज्य के लिए होते हैं। यदि मान लीजिए राज्य चाहता है कि हमारे लिए नियम जो है संसद बनाए, तो वह ऐसा कर सकती है। मतलब वो राज्य जो है वो आवेदन कर सकता है कि हमारे लिए नियम बनाए, तो फिर उसको वो नियम बना के देंगे और उसे मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तीन प्रकार से नियम, अनुसूची सेवन में तीन प्रकार से बनाए गए हैं। तीन प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार नियम बनाती है ना, राज्य सूची में राज्य सरकार नियम बनाती है विधानमंडल के द्वारा, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बताया गया है, वो है आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 246, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि मान लो अनुच्छेद 246, और अनुच्छेद अनुसूची 7 के अंतर्गत यदि कोई भी विधायन कोई भी नियम बनाने में असक्षम है, ठीक है, मतलब उसे वह पावर नहीं दिया गया है, वहां नियम बनाने की शक्ति उसे नहीं दी गई है, वह नियम वो नहीं बना सकता, वो सक्षम नहीं है, असक्षम है, ठीक है। तो वह यदि मान लो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो आर्टिकल 247 के तहत है, वो नहीं बना सकता। और यदि मान लीजिए उस नियम को वो इनडायरेक्ट रूप से बनाता है, अप्रत्यक्ष रूप से बनाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से बनाता है, तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का सिद्धांत लागू होगा, छद्म विधायन का सिद्धांत लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि वह बनाने के लिए सक्षम नहीं है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं बना सकती है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं बना सकती है, उसके द्वारा बनाए गए नियम जो है वो अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब यदि वो काम को यदि वो प्रत्यक्ष रूप से कर सकती है तो अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकती है, लेकिन यदि मान लो वो प्रत्यक्ष रूप से उस काम को नहीं कर सकती, तो किसी भी तरीके से यदि उस नियम को बनाती है अप्रत्यक्ष रूप से, तब भी वो नियम जो है अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यही है छद्म विधायन का सिद्धांत, ठीक है। तो यदि देखें तो छद्म विधायन से तात्पर्य क्या हुआ कि यदि कोई विधायिका अनुच्छेद 246, ठीक है, और अनुसूची 7, 246 और अनुसूची 7 के तहत विधायन बनाने के लिए असक्षम है, और वह उस दशा में विधान को अप्रत्यक्ष रूप से बनाती है, विधान को अप्रत्यक्ष रूप से बनाती है, तो उस दशा में डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का सिद्धांत लागू हो जाएगा, और वह विधान अवैध हो जाएगा। मतलब उस विधान को मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह उसके लिए असक्षम है। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसके देखिए एक दो केस है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए है नागेश्वर वर्सेस एपीएसटी कॉर्पोरेशन, इसमें कहा गया है कि कोई कार्य जो विधानमंडल डायरेक्ट नहीं कर सकता, वह कार्य विधानमंडल इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकता। मतलब नागेश्वर वर्सेस एपीएसटी कॉर्पोरेशन में कहा गया कि यदि किसी कार्य को विधानमंडल डायरेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो उस कार्य को इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकता है, इसमें बताया गया है। एक और केस है, देखिए आर एस जोशी वर्सेस अजीत मिल्स लिमिटेड, 1977 का केसेस है, इसमें देखिए, इसमें जो है जस्टिस
श्री अय्यर, ठीक है, श्री कृष्ण अय्यर, श्री कृष्ण अय्यर ने कहा है। इस केस में जो है श्री कृष्ण अय्यर ने छद्म विधायन के बारे में ही बता दिया है। इस ये जो केस है, ये आर एस जोशी वर्सेस अजीत मिल्स, इसमें श्री कृष्ण अय्यर जी जो है इन्होंने पूरे छद्म विधायन के सिद्धांत को भी बता दिया है। इन्होंने कहा है कि छद्म विधायन से तात्पर्य अक्षमता से है। इन्होंने कहा कि छद्म विधायन से तात्पर्य अक्षमता से है, छद्म विधायन से तात्पर्य अक्षमता से है कि कोई वस्तु छद्म तब होती है जब जिस रूप में प्रकट की जाती है वह उस रूप में नहीं होती है। मतलब यहाँ पर कहा है श्री कृष्ण अय्यर जी ने कि कोई भी वस्तु छद्म तब होती है, कब होती है, वह तब होती है वो जिस रूप में प्रकट की जाती है उस रूप में नहीं होती है, तो उसे ही हम छद्म कहते हैं, ठीक है। जिसे कि भारतीय शब्दावली में जिसे कि माया कहा जाता है, माया, माया मोह की दुनिया, नाम सुना है ना आप लोगों ने, जिसे कि भारतीय शब्दावली में माया कहा जाता है। तो श्री कृष्ण अय्यर जी ने छद्म विधायन के बारे में बताया कि छद्म किसे कहेंगे, जिसमें छद्म का मतलब हो गया अक्षमता, है ना, छद्म से तात्पर्य हो गया कि अक्षमता, और छद्म कोई चीज तब होती है जब वो जैसे रूप में दिख रही है वैसी नहीं होती है, उसे ही कहते हैं जिसे भारतीय शब्दावली में माया कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, छद्म विधायन से तात्पर्य क्या हुआ, विधायिका यदि किसी भी नियम बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सक्षम नहीं है तो वह कोई भी नियम अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं बना सकती, उसका बनाया हुआ नियम अवैध घोषित कर दिया जाएगा। किसके चलते, छद्म विधायन या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरिबलाइजेशन के तहत उस नियम को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, यही है छद्म विधायन। तो इस छोटे से वीडियो में छद्म विधायन आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।